होगी। हेलो दोस्तों, वैसे आप मुझको नहीं जानते लेकिन मैं अपना परिचय भी एक शायर के अंदाज में देता हूँ कि पकड़ कलम हाथ में मैं दिल के दर्द लिखता हूँ, अरे मैं तो वो हूँ जो और बेवफा की औकात लिखता हूँ। आज मैं एक पोइट्री लेकर आया हूँ आपके सामने, ये वैसे मेरी तो नहीं है पर लिख दी किसी यार दोस्त की लव स्टोरी को देखते हुए लिखी गई है ये, मैं आपके सामने सुनाता हूँ। कि मैं प्यार बन गया उसका पर संसार नहीं बन पाया, मैं दरिया में तो बह गया पर समुंदर में ना मिल पाया, मुझे खेलना था, तेरी जुल्फों से, तू खेल गई मेरे जज्बातों से, कि ये दिल कितना पागल है मेरा, समझ नहीं पाया ये मासूम चेहरा तेरा, शुक्रिया। मैं उनकी बातें तो नहीं किया करता हूँ, पर उन्हें याद किया करता हूँ, मैं उनको याद किया करता हूँ। अब दुनिया वाले बोलते हैं मुझे शराबी, पर मैं उनकी याद में पिया करता हूँ, मैडम इतना भी ना मुस्कुराइए, ये गैरों की महफिल है। आपके ऊपर एक शेर मुझको याद आ गया कि ये गैरों की महफिल है, इसमें इतना भी ना मुस्कुराइए, ये मोहब्बत वाली हंसी को नज़र झुका के ना छुपाइए, ऐसे लिखते रहते हैं। अभी और सुनो उन्होंने आगे क्या लिखा। इस मोहब्बत का यो अंजाम होगा, जब धोखा खा लिया, सब कुछ हो लिया, तो फिर उसको पता चला कि मोहब्बत होती क्या है। और फिर उन्होंने क्या बोला, किस मोहब्बत का यो अंजाम होगा, वो गैरों में खुश होगी कि वो तो गैरों में खुश होगी और मैं अपनों में तन्हा होगा, ये उसकी लव स्टोरी थी। लेकिन उसने बोला कि अंत में एक लाइन और लिख लेना, और वो मैंने लिख दी। ए इश्क तू अब समझ में आया, मजनू को पत्थर और मीरा को जहर क्यों पिलाया, जय हिंद दोस्तों, आगे से और पोएट्री लेके आते हैं, तब तक अगले कवि आपके बीच में कुछ पेश करते हैं। जय हिंद।